जितनिया भी संगत किसान संघर्ष मोर्चे अपना अपना योगदान पाने वास्ते पहुंचिया ने सारे एक बार फतेह अर्ज करिए एकाग्रता बख्शिए गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो पहला असी जिन्हें भी माई भाई इतने पहुंचे ने हिंदुस्तान के वख वख कोनों तो देशों विदेशों तो जिन्हों दर्द है इस गौर है धक्के का जुल्म का बेइंसाफी का जिन्हें जिन्हें भी उस सारे दर्द को महसूस करदिया होया इतने हाजरी भरन वास्ते पहुंचे ने असी सारे जी आया कहते हाँ। सब तो पहला साढ़े वास्ते यह बड़ी जरूरी गल समझ वाली है कि यह जी जंग चल रही है जंग वक्रे वक्रे तरीकों की होया करती है कदे हथियार लैके मैदान में जंग लड़ी जाती है कि सबर के नाल जंग लड़ी जाती है। अज किसानी नाल जमीन नाल जमीर नाल संबंधित लोग सबर के नाल सबर नूं अपना हथियार बना के पीसफुल तरीके दे नाल प्रोटेस्ट करके लोग जिहड़े ने संघर्ष लड़ते पए ने एक जंग चल रही है सबर की। इसलिए जिन्हें भी आप इत्थे हाजरी पा रहे हां सारे वास्ते ये ख्याल जरूर साढ़े मन में होना चाहिए कि असी इसके जंग में बैठे हाँ जंग का साडा मकसद की है साडा मुद्दा की है साडा एजेंडा की है इन्हां वल सानू जरूर ध्यान होना चाहिए। जिन्हें भी नौजवान वीर पहुंचे ने उन्हां सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। तुसीं रीढ़ की हड्डी हो किसानी दी अते इस संघर्ष की बुजुर्ग तुहाडी कंध ते थापड़ा रख रहे ने बुजुर्ग तुहाडे मगर खड़े ने पिठ ते हथ रख के ते जवानी जिहड़ी है वह अगे ला के अगवाई कर रही है। इसलिए गुरु कृपा करे पंजाब उत्ते हमले पहला भी बहुत होए किते देश पंजाब साडे तो जांदा रहा किते साडे धार्मिक स्थानां ते भी हमले किते बड़े यत्न किते गए भी ये लोग जिहड़े ने इह हक्कां दी गल ना करन ये आजादी की गल ना करन। अज तो तकरीबन 37-38 वरे पहला भी यही मसला पंजाब की धरती तो उठिया सी ओ केड़ा सी ओ है पंजाब की किसानी नू लेके सात संगत जेड़ा 82-83 दे विच मोर्चा लगे है आप सारे उस मोर्चे तो पली पात जाणू हो उहदे विच एक मंग इह भी सी वी पंजाब दे किसान नू उहदी फसल दा रेट खुद तय करन दा अधिकार दिता जावे। आप सारे याद होगा उदो भी यह मोर्चा चलिया जिहड़ा पंजाब का किसान है इन्हू फसल का रेट खुद तय करन दा अधिकार दिता जाए। अज 37-38 वरिया बाद अज फिर सानू उही संघर्ष लड़ना पै रहा है पर उदो साडे आगुआं ने नलेकियां कीतियां साडे आगू विक गए अज उहनां दीआं गदारियां दी बदौलत पंजाब के लोग हरियाणे के लोग वख-वख सूबिआं के लोग अज उसे मंग नूं फिर लैके सड़कां ते बैठे होए ने। गुरु कृपा करे असी अरदास करदे हां कि किसानी मोर्चे दे जितने भी आगू वीर अगवाई कर रहे ने महाराज इन्हां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखन इन्हां नूं चढ़दी कला बख्शन इन्हां नूं आत्मक अडोलता बख्शन इन्हां दा नाम इतिहास विच सुनहरी अक्षरां विच लिखिया जाए। ये बैठे हुए लखां लोकां दीआं आसां उत्ते भावनावां उत्ते खरे उतर सकन हिंदुस्तान की नहीं दुनिया के हर कोने विच बैठा होया जिहड़ा पंजाबी है वह अज वेख रिहा कि इस मोर्चे वल अते इस मोर्चे दी लीडरशिप वल 37-38 वरे पहला लीडरशिप ने की कीता वह भी साडे सामने उदाहरण है ते अज साडी लीडरशिप जे चंगी अगवाई करदी है ते इहनां दा नाम इतिहास विच सुनहरी अक्षरां विच लिखिया जाएगा। इसलिए साडा जिहड़ा इह मेन मकसद है सरकार चाहुंदी है कि खेती दे काम दे विचों सरकार दा दखल खत्म हो जाए। सरकार दा दखल पहला भी 2-4% सी फसलां होर भी बड़ियां उगदियां ने जमीनां विच पर सरकार MSP 2 फसलां उत्ते दिंदी सी 2 फसलां उत्ते MSP मिलदी सी बाकी ते सारियां अगे प्राइवेट तौर ते सन कदी फसलां मर जांदियां सन कदे रेट नहीं सी ठीक मिलदा 2 ही फसलां सन कणक ते झोने दियां जिन्हां उत्ते सरकार MSP दिंदी सी। अज जिहड़ा कानून सरकार वल्लों बना दित्ता गया सरकारी तौर ते MSP खत्म कर दित्ती गई सरकार गल्लां बातां विच कह रही है कि MSP इह रहेगी पर हकीकत अपने सारिआं दे सामणे है कि इन्हां ने बिल्कुल इह खत्म कीती है ते जे सरकार विचों पासी हो जाएगी पंजाब के लोग हरियाणे के लोग
इन्हां दो फसलां दी वड्डे पद्धर ते खेती करदे ने ते जे इहदे विचों एमएसपी खत्म हो गई की कमाई रखेगी। साडे सामने हरियाणे इत्थे बिहार दी उदाहरण है। बिहार दे विच इह कानून पहला पास किया गया। अज उहनां लोकां दे हालात की ने, वह लोग अपनी जिंदगी का निर्वाह करने वास्ते पंजाब विच आउंदे ने, हर छिया महीनों बाद मंडियां विच आके मेहनत करदे ने, मजदूरी करदे ने, अपना परिवार पालदे ने, जमीना हुंदियां वह लोग अपनियां जमीनां विच मजदूर बन गए, कामे बन गए अपनी जमीना दे विच ही, क्योंकि सरकार दीआं नीतियां मारू सन। अज उह कि कानून सारे देश उत्ते लागू किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिहड़ी है ठेके उत्ते सारी खेती, इह कानून सरकार ने बनाया है कि जिहड़ा उह सरकार दा किसे काम विच कोई दखल अंदाजी नहीं रहेगी, ना सरकार नूं कोई रेट तय करना पवेगा। जे किसान नाल कोई धक्का खुंदा है, जे किते व्यापारी दे नाल किसान दी कोई कोई गलबात हुंदी है किसे रेट नूं लैके, किसे कॉन्ट्रैक्ट नूं लैके, उह ना हाईकोर्ट जा सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, किसी अदालत का दरवाजा नहीं खड़का सकता, केवल ते केवल एसडीएम दे कोल जाके अपनी दरखास्त दे सकता है। ते आपां सारे संबंधित हां किसानी किते नाल, रोज आपां समाज विच रहिंदे हां, किन्ना क एसडीएम दे कोल अगे लोकां नूं इंसाफ मिलता है, किन्ना क डीसीआं कोलों इंसाफ मिलता है, किन्ना क सुप्रीम कोर्टां तों इंसाफ मिलता है। अजे तक लोग जिहड़े ने बड़े लंबे समय तों, किसे दे 20-20 साल हो गए, 30-30 साल हो गए केस चलदे आ, इंसाफ बड़ा घट अदालतों विचों मिलता है। ते जे अज किसानी दे किते विचों अदालतों पासे ही हो गईआं, कानून पासे ही हो गया, ते फिर तय है कि जिहड़े कारपोरेट घराने ने वह मन मर्जियां करनगे। इसलिए कानून दा विच रहना बड़ा जरूरी है। अगवाई जिहड़े किसान वीर कर रहे ने, बड़ा वाहिगुरु कृपा करे उन्हां नूं चढ़दी कला दे दात बख्शन। जितनिया भी संगतां इत्थे पहुंचियां ने, असीं उन्हां दा धन्नवाद करदे हां। सारियां सहूलतियां सहूलतां जिहड़ियां ने इत्थे मौजूद ने, लंगर प्रसादे हर तरह दी सहूलत है, नाल नाल आपां इत्थे जिहड़े चंगे विचार ने उह वी सांझे करने ने, मुद्दा जिहड़ा है उहदे वल वी ध्यान रखना है। असीं जित के असीं इत्थों जाईए, इह साडा संघर्ष है। इक दूजी अखीरली बेनती इह वी है कि साडा दिल वाकिया बड़ा वड्डा है, ठीक है, राजनीतिक लोगों को साडियां स्टेजां तों दूर रहना चाहिए। अज असीं धरनियां तों इह गल कह रहे हैं, पर जदों वोटां आउंदियां ने कि असीं उदों उहनां नूं पिंडां विच वड़न तों रोक पाउंदे आ, उदों असीं उहनां नूं वोटां पाउंदे आ, उहनां नूं कुर्सियां दिंदे आ, ते जदों सिर देण दी वारी आउंदी है उदों असीं उहनां नूं कहिंदे आ घरां विच बहि जाओ, इत्थे ना आयो। चाहीदा कि सानूं इह सी वी इहनां नूं इह कहा जांदा कि तुसीं अगे लगो, जे तुसीं सानूं कुछ ना लैके दित्ता ते फिर पंजाब विच तुसीं नहीं वर सकोगे। वोटां लैण वास्ते साडे कोल आउंदे हो तुसीं, लीडरियां तुहानूं चाहीदियां ने। जदों जित गए, जदों अज उहनां दी लोड़ है, ते असीं लोक ही नारे लाउण लग पए, तुसीं ना इत्थे आयो, तुसीं ना इत्थे आयो, इत्थे ना वड़ियो, असीं इत्थे रातां जागांगे, असीं इत्थे इह कड़क दी ठंड विच बैठांगे। उहनां नूं ते मौजां ने, सगों जिहड़ा पंजाब विच लीडर पैदा हुंदा उहदे ते बड़े चंगे भाग ने, वी उहनूं कुछ करना वी नहीं पैंदा, लोक ही कह दिंदे ने तूं घर विच बहि जा, सानूं तेरी लोड़ नहीं, वोटां असीं उहनूं पा दिंदे आ। खैर, सानूं इहदे ते वी कोई ना कोई पंजाब वासियां नूं विचार करनी चाहीदी है वी जे अज दे समें विच उह अगवाई नहीं कर सके ते फिर आउण वाले समें विच सानूं उहनां दी कोई लोड़ नहीं। इह वी सानूं इत्थों कुछ ना कुछ लैके जाणा चाहीदा। सारिआं दा धन्नवाद, आईआं सारिआं होईआं संगतां नूं, जी आया, वाहिगुरु तुहाडे मोर्चे नूं सफलता बख्शे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।